जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद गुरुजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.6। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ज्ञात कीजिए 64 पर पावर 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, इसको ज्ञात करना है। हमें पता है कि हमें फॉर्मूला पता है। हम पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर a पे पावर m इंटू a पे पावर n है तो हमेशा क्या होगा, एक तो वही रहेगा और जो पावर होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। यदि a पे पावर m है और फिर उसके ऊपर भी पावर कोई संख्या n है तो क्या होंगे, इन दोनों पावर का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 पे पावर 4 गुणे 2 पे पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 4 + 3 = 2 पे 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही 2 पे 3 है और उसके ऊपर पावर है मान लीजिए 4 तो क्या होगा, 2 पे पावर 3 × 4 तो 4 × 3 = 12, 2 पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर तीसरा है कि a पे पावर m है और अपॉन में a पे पावर n है तो a पे m में से क्या होगा, n घट जाएगा, जो ऊपर वाली संख्या होगी उसमें से ये घट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है 2 पे पावर 5 अपॉन में 2 पे पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 5 - 3। ठीक है, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 2 पे पावर 2। ठीक है, ऐसे अगर a पे पावर m है और b पे पावर भी m है, कोई संख्या है जिसपे पावर दोनों सेम है तो क्या होता है, a भी इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 पे पावर 2 × 4 पे पावर 2, दोनों पावर सेम है तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 12 पे पावर 2। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना जरूरी है। तो ऐसे कह रहा है कि 64 पर पावर 1/2 है तो 64, तो हमें कहाँ, हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कि a पे पावर m n बराबर, ये क्या होता है, होता है जहाँ पे अंडर रूट ए यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा a पे पावर n। ठीक है, जहाँ a बड़ा है 0 से। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 64 पे पावर 1/2 है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, अंडर रूट 64 यहाँ पे आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं हम क्या, 2 पे पावर 64 को लिख सकते हैं 8 × 8। ठीक है, जब 8 × 8 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक पावर हट जाएगा तो बचेगा कितना, 8। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे 64 पे 1/2 है तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 पे पावर 2 अपॉन में 1/2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, पहला तरीका है, सबसे आसान तरीका दूसरा है। ऐसे ही सेम ये दूसरा देखते हैं, 32 पे पावर 1/2 है, 1/5 है तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 उसके ऊपर पावर 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 × 4 × 8 × 16 × 16 × 32 ऐसे करके 2 पे पावर 5 है। ठीक है, सेम ऐसे 125 को हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 का पावर उसके ऊपर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कटेगा और आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। ठीक है, समझ में आया, इसे हम ऐसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि 9 पे पावर 3/2 है तो हम इसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 पे पावर 2, फिर इसे लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 उसके ऊपर पावर 3/2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, बच के गया 3 पर पावर 3 तो इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 9 × 9 = 27। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर ऐसा। ठीक है, ऐसे सेम 32 है, 32 पे 2 का पावर 5 है तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 4 × 8 × 8 × 16 × 16 × 32 πr2π5 का तो बराबर लिख सकते हैं 2π5 उसके ऊपर पावर 2π5, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, बच क्या गया 2π2, 2π2 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 = 4, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 4। ठीक है, ऐसे तीसरा है 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 = 4 × 4 × 8 × 8 = 16। ठीक है,
तीन पे पावर चार। अब इसको हम लिख सकते हैं दो पे पावर चार और इसके ऊपर पावर है तीन अपन में चार, चार से चार कट जाएगा, बच क्या गया दो पे पावर तीन। इसे लिख सकते हैं दो गुणे दो गुणे दो बराबर दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो हमारा आंसर क्या जाएगा आठ आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का चौथा देखते हैं 125 पे पावर माइनस वन अपन में थ्री है। 125 को हम लिख सकते हैं पाँच पे पावर थ्री माइनस एक बटे में तीन, तीन से तीन कट जाएगा, पाँच पे माइनस एक हो जाएगा पावर। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं एक बटे में पाँच, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब ऐसे करें क्वेश्चन थ्री, सरल कीजिए, सरल कीजिए कि टू पे पावर थ्री अपॉन टू अपॉन में थ्री है इंटू टू पे पावर वन अपॉन में फाइव है। ठीक, अभी हमने फॉर्मूला देखा कि अगर ए पे पावर एम है इंटू ए पे पावर एन है तो इसका होता है ए पे पावर एम प्लस एन, पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं टू पे पावर टू अपॉन में थ्री इंटू टू पे पावर अपॉन में फाइव है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम टू पे पावर टू अपॉन में थ्री प्लस वन अपॉन में फाइव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद, क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे इन दोनों का तो टू पे पावर फिफ्टीन और इन दोनों का जब हम करेंगे तो थ्री के टेबल में फिफ्टीन कितने बारे में आता है फाइव बारे में, तो फाइव टू जा टेन, वन के टेबल में फाइव के टेबल में फिफ्टीन थ्री बार में थ्री बन जा थ्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा दस तीन तेरह, तेरह बटे में पंद्रह दो पे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, टू का पावर थर्टीन अपॉन में फिफ्टीन। ऐसे क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है सेम कि वन अपॉन में थ्री पे पावर थ्री ब्रैकेट वन पावर सेवन। इसे सॉल्व करने के लिए हमने भी फॉर्मूला पढ़ा था कि ए पे अगर पावर एम का है और उस पर भी पावर एन है तो ये हो जाता है ए एम एन, दोनों पावर आपस में गुणा हो जाते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं वन अपॉन में थ्री पे पावर सेवन है, तो इसे हम लिख सकते हैं वन थ्री पे पावर इस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा वन अपॉन में थ्री मल्टीप्लाई सेवन, तो ये होगा थ्री पे पावर सेवन अपॉन में थ्री। ठीक है, ऐसे इसका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन सेम है इलेवन वन अपॉन में टू का पावर अपॉन में इलेवन वन अपॉन में फोर का पावर। ठीक है, तभी हमने पढ़ा था कि ए पे पावर एम हो और ए पे पावर एन हो तो ये होता है ए पे एम माइनस एन पावर, ए का एम में से एन को घटा देते, तो सेम होगा इलेवन पे वन का पावर टू अपॉन में इलेवन पे वन का पावर फोर बराबर हो जाएगा इलेवन पे वन अपॉन में टू माइनस वन अपॉन में फोर। सॉल्व करेंगे आएगा 11, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 11 पे 4 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे 2 में से 1 जाएगा तो 1 अपॉन में 4 11 पे पावर। ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था यदि a पर पावर m है और इनटू b पे पावर भी m है तो होता है a इंटू बी और पावर हो जाता है m। ऐसी सेम है सेवन पे पावर अपॉन टू है इंटू एट पे पावर अपॉन में टू है, ये हो जाएगा सात का गुणा आठ में और पावर वन अपॉन में टू, तो सात बटे छप्पन, छप्पन का पावर वन अपॉन में टू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है।